स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन ये है कि किसका बर्थडे सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा राजीव गांधी। और राजीव गांधी जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं 1984 से 1989 की पीरियड तक। और राजीव गांधी जी के नाम पर एक अवार्ड भी दिया जाता है जिसका नाम है राजीव गांधी अवार्ड, जो कि इंडिया का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है। और 2016 में चार लोगों को अवार्ड दिया गया था राजीव गांधी अवार्ड। पहला नाम है पीवी संधू, सेकेंड नेम है दीपा कर्माकर, थर्ड है जीतू राय और फोर्थ है साक्षी मलिक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और जो नीति आयोग का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके चेयरमैन नरेंद्र मोदी हैं। और इसकी पैरेंट एजेंसी यानी कि मुख्य एजेंसी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। और जो नीति आयोग है ये पहले प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता था और 2015 में मोदी जी ने इसको चेंज करके नीति आयोग कर दिया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑर्गन सीक्रेट्स बाइल जूस, इसका आंसर है लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबेरा है। और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी भी जान लेते हैं हम साथ में। और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी डॉलर है। इसके प्राइम मिनिस्टर मैलकम टर्नबुल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल एंथम कब अडॉप्ट किया था। तो इसका आंसर है 24 जनवरी 1915। ठीक है, तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि हमारी 26 जनवरी को जो है रिपब्लिक डे मनाया जाता है, जस्ट उसके 2 दिन पहले जो है नेशनल एंथम अडॉप्ट किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूट द्वारा। ओके, और ये 1950 में हुआ था। तो यहाँ नेशनल एंथम की बात कर रहे हैं तो मैं आपको नेशनल फ्लैग भी बता देती हूँ। नेशनल फ्लैग जो है 22 जुलाई 1947 में जो है अडॉप्ट किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर लाइन है उसका क्या नाम है। तो आंसर होगा रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, और ये जो है 17 अगस्त 1947 में मतलब स्टार्ट किया गया था बॉर्डर लाइन। और 15 अगस्त को हमारा इंडिपेंडेंस डे आता है। 16 अगस्त को पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे होता है। और जस्ट उसके एक दिन बाद यानी कि 17 अगस्त को जो है रेड क्लिफ लाइन यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर लाइन डिसाइड कर दी थी। ओके, और इसके साथ ही मैं ये भी बता दूं कि एक इंडिया और चाइना के बीच में भी बॉर्डर लाइन है, उसका नाम क्या है। तो इंडिया और चाइना के बीच जो बॉर्डर लाइन है उसका नाम है मैकमहन। ठीक है, मैकमहन लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई के गवर्नर कौन है। तो इसका आंसर है उर्जित पटेल। और पिछले जो गवर्नर थे वो थे रघुराम राजन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैन सिंगल यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2016 का विनर कौन है। तो इसका आंसर है स्टेन वावरिंका। कथकली डांस फॉर्म कौन से देश से एसोसिएटेड है। इसका आंसर है केरला। ओके, और केरला के कैपिटल जो है केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। इसके चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयम विजयन है और गवर्नर सत्यशिवम है। ओके, नेक्स्ट है कि एंटरटेनमेंट टैक्स इम्पोज बाय डैश। तो इसका आंसर होगा स्टेट गवर्नमेंट। और इसके साथ मैं आपको बता दूं कि अलग अलग स्टेट में जो है एंटरटेनमेंट टैक्स अलग अलग परसेंट होता है, उसका अलग अलग परसेंटेज हर स्टेट के अकॉर्डिंगली होती है। ओके, फिर अब आते हैं हम मिसलिनियस क्वेश्चंस पे, कुछ इम्पॉर्टेंट मिसलिनियस क्वेश्चंस। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। इसका आंसर है 8 मार्च। नेक्स्ट इज स्वेज कैनल जो है किस कंट्री में है। तो इसका आंसर होगा इजिप्ट। इजिप्ट की कैपिटल कैरो है, करेंसी इजिप्टियन पाउंड है। भूटान की करेंसी क्या है। इसका आंसर है नगलत्रम। और भूटान की कैपिटल थिम्पू है। इसके प्राइम मिनिस्टर शेरिंग तोगबे है, तोगबे है, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर भूटान के शेरिंग तोगबे है। यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन की सेक्रेटरी जनरल कौन है। तो इसका आंसर है एंटोनियो गुटरेस।
एंड इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क सिटी में है। जननपीठ अवार्ड 2016 किसको मिला है? तो इसका आंसर है शंका घोष। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2016 किसको मिला है? इसका आंसर है आर अश्विन, और आर अश्विन को का पूरा नाम है रविचंद्रन अश्विन। और रविचंद्रन अश्विन जो है इनको एक और अवार्ड भी मिला है, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला है, और पिछले साल जो है आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्टीव स्मिथ को मिला था। रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, इसका आंसर है जेनेवा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जेनेवा में बहुत सारे जो हैं हेडक्वार्टर्स हैं। तो एक ट्रिक है इसके लिए कि जब भी कोई क्वेश्चन आए और उसमें अगर आपसे हेडक्वार्टर पूछ रहे हो कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का जिसका नेम स्टार्ट हो रहा है डब्ल्यू से, शॉर्ट फॉर्म में डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है ओ पर, तो उसका आप जो है 80% चांसेस है कि उसका जो है हेडक्वार्टर जेनेवा में होगा। इसके मैं कुछ आपको एग्जांपल्स बता देती हूँ। जैसे WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो है हेडक्वार्टर जेनेवा में है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा में है। WIPO यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी जेनेवा में है। और WMO यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा में है। और WNO यानी कि वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा में है। तो कभी भी अगर क्वेश्चन में अराइज होता है कि कोई भी क्वेश्चन जिसका नेम स्टार्ट हो रहा है W से एंड हो रहा है O पे, तो आप लगा सकते हैं उसका आंसर जेनेवा। ओके, न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? तो इसका आंसर है JSK है, जो कि हमारे 44th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। और इससे पहले जो है वो TS ठाकुर थे। और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है वो हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, यानी कि प्रणब मुखर्जी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अभी जो है JS केहर को अपॉइंट किया है एज अ न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इंडिया की रैंकिंग क्या है इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लिस्ट 2016? तो रैंकिंग इंडिया की है 130, लास्ट ईयर भी 130 थी, और बट उसके पहले 142 थी। ओके, और अगर बात करें कि टॉप किसने किया है, तो इसका आंसर है न्यूजीलैंड, सेकंड नंबर पे सिंगापुर है। और पिछले साल जो है ये दोनों ने की पोजीशन इंटरचेंज थी, यानी कि सिंगापुर ने टॉप किया था और सेकंड नंबर पे न्यूजीलैंड था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी पंजियांग ब्रिज, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ब्रिज इज इन विच कंट्री? तो ये सबको पता है कि ये चाइना में है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और चाइना की कैपिटल बीजिंग है और करेंसी रैन मिन भी है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक माई वीडियो, कमेंट इन माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर दी मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।